एपी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ नई रेसिपी, वो है आइसक्रीम बॉम्ब। तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो इस प्रकार है। ये मैंने कॉर्नफ्लेक्स ले लिया हुआ है, जो कॉर्नफ्लेक्स जो सीरियल खाते हैं बच्चे, जो दूध में खाते हैं वो सीरियल्स बोलते हैं, उसको मैंने ले लिया है। और इसको मैंने दरदरा करके बेलन से पीस लिया है। आप मिक्सर ग्राइंडर में इसको हल्का दरदरा पीस सकते हैं। अब करना क्या है, ये प्लेट में ऐसे फैला लीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है अमूल की आइसक्रीम। आप कोई भी आइसक्रीम ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर देखिए कि गुनगुना पानी है और ये आइसक्रीम स्कूपर है, ये देख लीजिए। आइसक्रीम स्कूपर या चम्मच आप कुछ भी ले सकते हैं। करना क्या है, ये आइसक्रीम आपने ले लिया, ये गर्म गुनगुने पानी में आपने डुबोया इसको यहाँ पर, इसको फिर जो आइसक्रीम है इसको स्कूप कर लिया, ऐसे स्कूप कर लिया। अब हाथ की सहायता लीजिए, इसको यहाँ पर रखिए, पूरा ये गोला बना दीजिए पहले। ऐसे गोला बनाने के बाद आप ये जो आपका कॉर्नफ्लेक्स का चूरा है इसको अच्छे तरीके से इसको लपेटिए। पूरा कोट हो जाएंगे ऐसे, देखिए ऐसे। देखिए ऐसे करते रहिए, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आइसक्रीम मेल्ट होने लगेगा। आपको कहीं से भी आइसक्रीम दिखना नहीं चाहिए, इसका प्रोसेस यही है। और दबा दबा के इसको हाथ की सहायता से, दो हाथ लीजिएगा, दोनों हाथ से आप ऐसे करिएगा। ये बच्चों को, बड़ों को, आपके जो मतलब पार्टी फ्रेंड्स हैं, आप जब पार्टी में बुलाते हैं बच्चों की पार्टीज में, सबको अच्छा लगता है ये पूरा। ये मेरे घर का हिट आइटम है। जब भी मेरा बेटे का बर्थडे होता है या मेरी फैमिली मेंबर्स में गैदरिंग होती है, तब मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। देखिए ये इस तरीके से ये बन जाएगा। इसी तरह आप बाकी जितने भी हैं इसको अच्छी तरीके से बना लीजिए, पर ध्यान रखिएगा कि ये 3-4 कोट ऐसे हो जाए। दबा दबा के आप इसको अच्छी तरीके से कोट कर लीजिए। अब आप ऐसे 3-4 बना लीजिए, ऐसे बॉक्स में आप रखिए। ये रखने के बाद मैं भी बनाऊंगी। बनने के बाद आप इसको डीप फ्रीजर में रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए, सेट होने के लिए। देखिए दोस्तों, हाफ एन आवर हो चुका है। मैंने अब फ्रीजर से इसको निकाल दिया। फ्रीजर मतलब जहां पर आप बर्फ जमाते हैं वहां पर आपको ये जो है बॉल्स आपको रखना है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, ये मैंने गरम कढ़ाई दिया हुआ है, इसमें मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब ये जो मेरा आइसक्रीम बॉम्ब है ये इसमें जाएगा फ्राई होने के लिए। देखिए कैसे होता है। ये देखिए जैसे गोल्डन हो जाएगा तब समझ जाइएगा ये आपका हो चुका है। देखिए ये मेरा गोल्डन हो रहा है, ये बॉम्ब मेरा आइसक्रीम बॉम्ब। यहाँ पर मैं ये दूसरा डालती हूँ, ये देखिए अब ये फ्राई हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ से निकाल लूंगी, तब तक में मेरा ये डन हो रहा है। हाई फ्लेम में रखना है आपको, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कि जल जाए, कि आपको समझ में आएगा जैसे आप पूरी तलती हैं वैसे ही आपको उसको तलना है, फ्राई करना है।
कोटिंग बराबर से करिएगा, दबा दबा के कोटिंग करिएगा कि जिससे ये अंदर से निकले नहीं। ये भी डन है। ये देखिए, ये मेरा फ्राई हो चुका है। अब मैं आपको इसको कैसे खाते हैं, मतलब इसको प्लेटिंग कैसे करते हैं, आप कैसे सर्व करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक मैंने इसके ऊपर मैंने ये चॉकलेट सॉस है, ये चॉकलेट सॉस है मैंने डाल दिया है। दूसरा मेरा यहाँ पर है, इसके ऊपर मैं ऐसे चॉकलेट सॉस मैं डिप करूँगी। अब ऐसे ही आपको सर्व करना है। अच्छा, ये दिखता कैसे है अंदर से? बाहर से तो गर्म है और अंदर से उतना ही ठंडा है। ये देखिए, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, ये मेल्ट हो रहा है, कितना लाजवाब बना हुआ है। आपको अगर अच्छा लगे प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली के साथ बना के मजे से खाइएगा। धन्यवाद।